करें आपके जिंदगी का हर दिन, हर आने वाला दिन प्यार, सुख, समृद्धि, आनंद, कामयाबी और सेहत के रंगों से सराबोर हो जाए। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर आए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से माधव धाम भवन में मिले सीएम योगी। 40 मिनट की हुई मुलाकात के दौरान सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। दिया अपनी सरकार 2.0 के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण। गोरखनाथ मंदिर में वापसी पर बच्चों और उनके अभिभावकों संग फोटो खिंचवाकर किया उनको खुश। अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं हमारे पर्व। समरसता का प्रतीक है होली। घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह के रंग भरी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, समाज में होलिका हिरण्यकश्यप हैं तो भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह भी। योगी के रंग में रंग गया शहर। होली पर घंटाघर से भगवान नरसिंह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में निकलने वाली शोभा यात्रा में शहर ने भी अपने रंग में रंग डाला योगी को। भाजपा के गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा, चुनाव जीतने के बाद पार्टी के अपेक्षाओं पर उतरने के साथ जनता के विकास के लिए करेंगे काम। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों की संख्या में नागरिकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया आशीर्वाद। सभी के खिल उठे चेहरे। भाजपा के देवरिया से स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा, चुनाव जीतने पर जनता के विकास के लिए किया जाएगा काम। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रत्याशी बनाए जाने पर दिया धन्यवाद। गोरखपुर में शनिवार को नहीं पाए गए कोई भी नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 216। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, महिला मोर्चा की महामंत्री अनुपमा पांडे ने गोरखपुर वासियों सहित प्रदेश वासियों को होली की दी शुभकामना। सभी के मंगल जीवन की कामना।